डॉक्टर विवेक श्याल की 14th एनिवर्सरी मेरे सभी जानने वालों को, मेरे सभी चाहने वालों को, मेरे पेशेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके एक्सटेंडेड फैमिली, पूरी हमारी एक पूरा जो भी पेशेंट डॉक्टर विवेक श्याल केयर में आता है दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ अवर फैमिली। तो हमारी फैमिली, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली सभी को डॉक्टर विवेक श्याल केयर की 14वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा पूरा स्टाफ है, मैं चाहूँगा कि एक बार सबको एक बार दिखा दिया जाए। अभी कुछ लोग डॉक्टर्स आने, स्टाफ आने बाकी हैं। सब लोग देखिए जमे हुए, सब अच्छे अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी डांस भी होगा, खाना भी होगा और स्पीच भी होगी, सब कुछ चलता रहेगा। तो हमारे पास किचन एडवर्ट पे आप लोग बने रहिए और इंशाल्लाह भी हम लोग आपको और एक्शन दिखाते हैं। आप लोग रहिए, पता ही नहीं चला 14 साल की तरह से गुजर गए। ये आंखें मूंद के हम कहेंगे काम वालों ने जो यहाँ पे काम किया उन्हें और लगा होगा, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह। बोलना ज्यादा हैप्पी तो इसी के साथ मैं महा को इन्वाइट करना चाहूंगा कि शी इज माई डॉटर एंड डॉक्टर विवेक श्याल केयर की आगे की जो
इंशाल्लाह बागडोर ये एमडी करने के बाद यही संभालेंगी, तो लेट्स सी व्हाट डॉक्टर महा इससे से। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस 14 साल पूरे करने पे। और मैं अभी यही कह ही रही थी कि मतलब बिल्कुल जैसे कि संजय भैया ने भी कहा था कि लग ही नहीं रहा है कि 14 साल हो गए। और मतलब जैसे फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई थी तो मुझे याद है मैं तो छोटी सी थी, और आज भी ऐसा लग रहा है कि कोई टाइम गुजरा नहीं है। और यहाँ पे आके जैसे फील ही नहीं होता कि मैं किसी अलग जगह पे हूँ, क्योंकि ये हमेशा इनको देख देख के हम सब साथी में बड़े हुए हैं। तो हम भी इनके साथ ही सबके साथ बड़े हुए हैं, तो इट्स लाइक अ फैमिली। और इंशाल्लाह ये फैमिली ऐसे ही सब साथ आगे चलेंगे और ये चीज मेंटेन रहेगी और बहुत साल आगे तक इंशाल्लाह ऐसे ही सक्सेस पाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर महा, थैंक यू वेरी मच। अब मैं हरफा से कहूँगा कि भाई कुछ दो शब्द आप भी कहिए। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा स्टाफ सब लोग हम लोग हमारी फैमिली सब एक इकट्ठी होती है। जैसा कि लोगों ने कहा कि 14 साल का वनवास पूरा हो गया, तो अब इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि फल भी जबरदस्त मिले हम लोगों को। बस और मेरी दुआएं सब लोगों के साथ हैं, हमारे पूरा स्टाफ, स्पेशली मैं, शहनाज, संजय, आप लोग जो शुरू से हमारे साथ हैं, और मैडम शुक्ला हैं, आप लोग जो हैं सीनियर स्टाफ, सब आप लोग, बहुत आप लोगों का साथ रहा है। वारिस, डॉक्टर वारिस, तो सब शुरू से जुड़े हुए हैं डॉक्टर बेक्स चाइल्ड केयर से। बाकी भी सब स्टाफ हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग पिलर्स रहे हैं हमारे हॉस्पिटल के, और दिन दूनी रात चौकनी आप लोगों की मेहनतों का अजर है ये कि आज डॉक्टर बेक्स चाइल्ड केयर जो है उसका इतना नाम है डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब की सरपरस्ती में। और क्योंकि टीम बनाना एक अलग बात है, और उसको ले के चलना, चलाना, संभालना, लोगों का ख्याल रखना, रूह रवा होना एक बहुत अलग चीज है कि सबको वक्त पड़े तो डांट भी पड़े, वक्त पड़े तो मोहब्बत भी मिले, डांट में भी अपना एक मजा है। तो बस ऑल द बेस्ट डॉक्टर बेक्स चाइल्ड केयर, आप लोगों के लिए आने वाले दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपकी गाइडेंस सपोर्ट से, जैसे कहिए ना कि भाई आप बैकबोन है हॉस्पिटल की, और आपका सपोर्ट रहता तो हम लोग के भी आगे चलते रहते हैं, और इंशाल्लाह इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। क्योंकि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज वक्त निकाला और हम लोगों ने एक अच्छी सी महफिल सजाई, डांस किया, एंजॉय किया। ये हम लोग की फैमिली का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि हम लोग, क्योंकि ये सब जानते हैं कि डॉक्टर बेक्स चाइल्ड केयर एक NICU है, PICU है, और हम लोग का काम स्ट्रेस फुल होता है। यहाँ पर जब हम लोग ड्यूटी पे होते हैं तो हमें हंसने मुस्कुराने का मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग इस तरह के मौके निकालते रहें, चाहे घूमने फिरने के हो, चाहे आउटिंग के हो, इस तरह के फंक्शंस हो जिसमें सब मिलके एक दूसरे के साथ नाचे गाए झूमे मस्ती करें, ताकि एक वो जो दूरी होता है, गैप होता है, वो मिट जाए। आज हमें लगता है कुछ लड़कियों ने हम लोग के साथ पहली बार डांस किया होगा, इनको भी मजा आया होगा। बाकी जो पुराने लोग हैं वो तो हम लोग को जानते हैं कि सब लोग क्या इस तरह से हंसी मजाक चलता रहता है। बट ये मैं कहूँगा कि हम लोगों ने, हो सकता है कि बहुत वर्टिकल ग्रोथ ना करी हो, बट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमारी ऊपर वाले के दुआ से, आप लोगों की सबकी मदद से बहुत हुई है। बिल्कुल। एक वेंटिलेटर से हमने शुरू किया था, आज माशाल्लाह से हमारे पास 5 वेंटिलेटर हैं। आज भी एक हम लोग ने एक नया वेंटिलेटर खरीद के उसका इनॉग्रेशन सुबह 7 बजे एक बच्चा सीरियस हुआ था उसके लिए कर लिया गया। तो जिस तरह से हम लोगों का ऊपर वाले की दुआ से, आप सबका उसमें हाथ है, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि एक डॉक्टर बेग कोई एक इंसान नहीं है, ये पूरी एक टीम है। डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर कोई अस्पताल नहीं है, ये एक परिवार है। तो जब हम लोग सब साथ चलेंगे तभी तरक्की होती है। और ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि पूरे लखनऊ भर में, मैं समझता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आप किसी में बड़े अस्पताल में चले जाइए, आप सारा में चले जाइए, आप बल्कि सारा से पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, जो अपने मेदांता खुला वहां से पेशेंट हम लोग के पास रिपोर्ट लेके आते हैं कि हम आपके यहाँ शिफ्ट कराने जाते हैं। तो ये जीत मेरी नहीं है, जीत आप सबकी है, ये आप सबकी जीत है, आप सबकी नर्सिंग की जीत है, हमारे फ्रंट स्टाफ की जीत है, हमारे डॉक्टर्स की जीत है, हमारी फैमिली की जीत है। कि हम लोग देखने को कहने का भाई कि इट्स ए स्मॉल हॉस्पिटल, बट यहाँ पर वो सारे काम हो रहे हैं जो किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो रहे हैं। एक दिन का बच्चा, प्री मेच्योर बच्चा, 800 ग्राम का बच्चा, सबसे छोटा 635 ग्राम का बच्चा हम लोग का सर्वाइवल है। सारे बच्चों की सर्जरी यहाँ पर होती है, सारे कार्डियक सर्जरी छोड़ के सारी सर्जरी हम लोग अपने यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता था अगर मेरे पास इतनी अच्छी टीम नहीं होती, मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, और इसको इंशाल्लाह हम लोग आगे लेके भी चलेंगे।
और आपको दुआ करिए किसी तरह से हम लोग तरक्की करें। मैं हमेशा से कहता था मेरे साथ चलते रहोगे तो तरक्की करते रहोगे, क्योंकि मुझे रुकना नहीं है। मेरा फंडामेंटल है कि मंजिल नाम की कोई चीज नहीं होती, सफर होता है। मंजिल तो मौत है, मंजिल नहीं है, चलते रहना यही आपका सफर है। किसी सफर में आप एक एक आयाम अवॉइड उसको अटेंड करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कोई मंजिल फाइनल नहीं होती है, फाइनल मंजिल मौत है। चलते रहिए, चलना ही सफर है, और सफर पे अपनी अचीवमेंट्स करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही आपको जिंदगी में तरक्की की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह, बहुत बहुत मुबारक हो। अब डांस करते हैं।